साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल नियर ज्योति श्री सिनेमा हॉल सहेजना रोड गढ़वा झारखंड। इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी टीम इन गढ़वा। एडमिशन इज गोइंग ऑन। हरी अप। फ्रेंडली होम एनवायरनमेंट, वेल डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी। फॉर एडमिशन कॉन्टेक्ट 9801367588। डायरेक्टर आर एन सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट फरटिया गढ़वा द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य अवभूत भगवान राम निशुल्क सर्वधर्म सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह द्वारा 11 जोड़े गरीब बहन बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक 21/4/2019 दिन रविवार को संपन्न किया जाना है। ट्रस्ट द्वारा चयनित सभी 11 वर वधुओं को विवाह के समय पहनने हेतु वरों को शेरवानी एवं वधुओं को लहंगा चुनरी दिनांक 14/4/2019 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से उनके अभिभावकों के समक्ष वितरित किया गया। साथ ही वर व वधु उनके रिश्तेदारों को कार पास, निमंत्रण कार्ड, विशेष अनुमति पत्र, दिशा निर्देश की प्रति व परिचय पत्र प्रदान किया गया। इन 11 जोड़े वर वधुओं को विवाह के उपरांत घरेलू उपयोग में आने वाले सभी 51 प्रकार के दिए जाने वाले सामानों के संबंध में जानकारी बीएड कॉलेज के सभागार में दी गई। इन 11 जोड़ों में 2 ऐसे जोड़े हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। वस्त्र वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गढ़वा के माननीय श्री योगेश्वर मणिजी सामूहिक विवाह समारोह में अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार सिंह एवं विवाह समिति के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी रंजीत सिंह रेहला के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रेरणा परमार्थ आश्रम रेहला शाखा एवं वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पवन कुमार सिंह, प्रशासनिक पदाधिकारी मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार सिंह, रणधीर सिंह, शेरू सिंह, हरेंद्र सिंह, राकेश कुमार सिंह, शंभूराम तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन पारामेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर पीडी तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन दिनेश कॉलेज एवं एजुकेशनल के प्राचार्य डॉक्टर एसबी मिश्रा द्वारा किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गढ़वा के माननीय श्री योगेश्वर मणि जी ने कहा कि मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं अभी आधे घंटे पहले मैं दिनेश बाबू से बात कर रहा था कि ये जिस अनुष्ठान की आधारशिला का ये पहला चरण हम लोग रख रहे हैं, इसको यह मानव निर्मित नहीं है, मानव संकल्पित नहीं है, मानव से संभव नहीं है। यह ब्रह्मा जी का एक व्यवस्था है जिसके निमित्त आज दिनेश बाबू बने हैं और उनके सौभाग्य से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। ये उनका निमंत्रण है, उनका स्नेह है कि वो बार बार मुझे याद करते हैं और मैं भी कहता हूँ कि जब तक आप पुनीत के कार्यों में मुझे याद करते रहेंगे, चाहे मैं जितना भी व्यस्त रहूँगा आपको समय दूंगा, क्योंकि जीवन में सत्कर्म के अवसर बहुत कम आते हैं और अगर आते हैं तो लाभ उठा लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा सारे गुरुजन वृंद, आप भी अनवरत अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन यह जो मानव के 16 संस्कार में जो सबसे पवित्र संस्कार है यह विवाह है, जिसमें माता पिता थोड़े समय के लिए ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। वहीं दिनेश कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिसको बेटी नहीं है वो कैसे बेटी का काम करते हैं? पहले के जमाने में भगवान मनाते थे कि हमको एक बेटी जरूर दे, जो दान कर हम हमारे ऊपर जो कुछ ऐसा है हमको आशीर्वाद भगवान का मिले और हमको अपना कंधन दिया है कि उस दिन विवाह के समय उपस्थित रहेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे और आप धन्य हैं कि इनका आशीर्वाद आपको मिले, यही हमारी कामना है।
और आशा करेंगे कि समय समय पर हमारे बच्चों को जो आप में गुण है वो गुण का थोड़ा सा विस्तार हमारे बच्चों में करें, जो हमारा बच्चा भी संस्कारी हो जैसे आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं और आप अपने बच्चों को जो आपने संस्कार दिया है वैसा संस्कार इस युग में तो बहुत कम मिलता है। आप जानिए इतने बड़े पदाधिकारी हैं और मैं जब गया था अपने बच्चों को जो उन्होंने संस्कार दिया है, बच्चा प्रणाम खड़ा होकर नहीं करता है, चरण छू के प्रणाम करता है। ये संस्कार सबके बस की बात नहीं है। आजकल हेलो और क्या कहने वाला समय है, तो वैसे आदमी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करें आज से मैं आशा करता हूँ कि समय समय पर हम लोगों को अपने अनुभव का थोड़ा सा बंटवारा कर हम लोगों को भी दें, जो हम लोग भी आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद।